उसे छोड़ना है। वन मोर टाइम, लॉन्ग डीप ब्रीथ, धीरे रिलीज कर दीजिए। अब आपका पूरा मन शांत हो चुका है। यदि किसी को ऐसा लगे कि अभी भी मन शांत नहीं हुआ है तो और एक बार वो लंबी डीप ब्रीथ ले सकते हैं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है, पूरी तरीके से ढीला छोड़ देना है। कोई भी तनाव नहीं होगा, कोई भी खिंचाव नहीं होगा, पूरी तरीके से ढीला छोड़ दीजिए। और अपने अंदर जाने वाले और बाहर जाने वाले सांस पे फोकस कीजिए, पूरे सजगता से, विश्वास के साथ। अब हम बॉडी प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। आपके पैर, पैरों की उंगलियां, पैरों के तलवे, पंजे रिलैक्स होना शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे रिलैक्सेशन आपके घुटनों तक पहुंच रहा है। महसूस कीजिए घुटने तक आपके पैर पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुके हैं। आपके थाइज रिलैक्स होना शुरू हो गए हैं, पूरी तरीके से रिलैक्स। सारे दिन की थकान निकालनी है। तो आपके थाइस पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुके हैं। अब रिलैक्सेशन धीरे धीरे शरीर में ऊपर बढ़ रहा है। आपकी कमर रिलैक्स होना शुरू हो गई है। वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुकी है। अब आपकी स्पाइन, लोअर बैक, अपर बैक, उनके स्ट्रांग मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो गए हैं। 10% हो गए, 30%, 50%, 70%, 90%, 97%, 100%। अब आपकी पूरी बैक, लोअर बैक, अपर बैक, उसके स्ट्रॉन्ग मसल्स और स्पाइन 100% रिलैक्स हो चुके हैं। आपका पेट रिलैक्स होना शुरू हो गया है। लार्ज इंटेस्टाइन रिलैक्स हो चुकी है, स्मॉल इंटेस्टाइन रिलैक्स हो चुकी है। आपका चेस्ट का एरिया पूरी तरीके से रिलैक्स हो रहा है। स्पाइन के साथ चेस्ट के सारे बोन्स फ्री होके रिलैक्स हो रहे हैं। Feel the relaxation, friends. आपके दोनों पद रिलैक्स होना शुरू हो गए हैं। हाथों की उंगलियां, पंजे, जॉइंट्स, फोरआर्म्स
पूरी तरीके से रिलैक्स हो गए हैं। दोनों हाथों के दंड और शोल्डर रिलैक्स हो रहे हैं। शोल्डर को पूरी तरीके से रिलैक्स करना है, सारा का सारा टेंशन निकाल देना है। फील फुल्ली रिलैक्स्ड, पूरे आरामदायक स्थिति में हो आप। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, ना शारीरिक तनाव है ना मानसिक तनाव है। पूरा आधा घंटा के लिए है, हमारे अपने लिए, किसी के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है। आपकी नेक रिलैक्स हो चुकी है, रिलैक्सेशन आपके सर तक पहुंच गया है, आपके फेशियल मसल्स, नोज, आईज, ईयर्स, फोरहेड, बैकहेड, सारा का सारा रिलैक्स होना शुरू हो गया है। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, पूरा सर पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है। अब आप पैरों से लेकर सर तक पूरी तरीके से रिलैक्स्ड स्टेट में हो, आरामदायक स्टेट में हो। शरीर से सारी थकान निकल चुकी है, हम पूरी तरीके से आराम कर रहे हैं, पूरा शरीर आरामदायक स्थिति में है। अब आप विजुलाइज कीजिए, आपके सर से एक व्हाइट लाइट आपके ब्रह्मरंध्र से, सहस्रार से आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। एक हीलिंग लाइट है, ऑल इन वन लाइट। लाइट में आपका पूरा सर अंदर से ऑक्यूपाई कर लिया है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, आईज, नोज, ईयर्स, फेशियल मसल्स, सारा का सारा पूरी तरीके से रिलैक्स कर रहा है और उस लाइट ने पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया है। और जहां बाय जहां हीलिंग की जरूरत है वहां पे हीलिंग शुरू कर दी है। राइट स्लोली स्लोली पूरे बॉडी में फैल रहा है, उसने पूरा गला नेक अंदर से ऑक्यूपाई कर लिया है और वो गले को स्मूथ होते हुए आपके शोल्डर में पहुंच चुका है। शोल्डर के स्ट्रांग मसल्स को, हड्डियों को रिलैक्सेशन के साथ एक एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, हीलिंग एनर्जी, उसे हील किया जा रहा है। हमारा पूरा शोल्डर रिलैक्सेशन के साथ हील हो रहा है, सारा तनाव खिंचाव उसमें से निकल रहा है। हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शोल्डर पे होती है, जितना ज्यादा हील करेंगे उतनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम कंप्लीट करते हुए जाएंगे। अब वो लाइट स्लोली दोनों हाथों में प्रवेश कर चुकी है, आपके शोल्डर से हाथ में प्रवेश कर चुकी है। उंगलियों तक, दोनों हाथों की उंगलियों तक पहुंच चुका है। और वो हीलिंग लाइट आपके अपर बैक, लोअर बैक और स्पाइन में प्रवेश कर चुकी है। पूरे स्पाइन को हील कर रही है, हर एक कपलिंग को, हर एक जॉइंट को रियलाइन कर रही है। आपको विजुलाइज करना है, हर कोई चीज, हर एक जॉइंट, हर एक कपलिंग रियलाइन हो रहा है। सारे मसल्स के ऊपर के जो भी ब्लैक स्पॉट्स थे वो धीरे धीरे निकल के गायब हो रहे हैं।
हीलिंग शुरू हो गया है, वो व्हाइट लाइट आपके लंग्स में और हार्ट में पहुंच चुकी है। लंग्स और हार्ट को हील करते हुए पेट तक पहुंच चुकी है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूट्रस, किडनीज, सारों को हील करते हुए कमर से होते हुए आपके थाइज में पहुंच चुकी है। थाइज के स्ट्रॉन्ग मसल्स को, स्ट्रॉन्ग हड्डियों को हील करते हुए, एक एनर्जी प्रोवाइड करते हुए घुटनों तक पहुंच चुकी है। आपके निचले पैरों में पहुंच चुकी है। एक आपके मसल्स को हील करते हुए और बैलेंसिंग जो वेंस होती है उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाते हुए आपके एड़ियों से होते हुए, पंजों से होते हुए सर से लेके पैर तक अंदर से उस व्हाइट लाइट से पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड हो। और अब उस लाइट ने आपको शरीर को बाहर से कवर करना शुरू कर दिया है। ये हीलिंग एनर्जी, ये व्हाइट लाइट, डिवाइन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी कंटिन्यूस फ्लो हो रही है आपके शरीर में, आपके सांसों से, ब्रह्मरंध्र से अंदर आ रही है। हम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और अब उस एनर्जी ने आपको बाहर से कवर करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। कमर तक, घुटनों तक, पूरे पैरों तक आपने उसको पूरे शरीर के इर्द गिर्द, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह पे वो एनर्जी है। आप उस एनर्जी के अंदर भी हो और आपके अंदर भी वो एनर्जी है। आप उस एक एनर्जी के बलून में हो, प्रोटेक्टिंग एनर्जी है। और बाहर से जो एनर्जी आ रही है वो व्हाइट लाइट आपके स्किन को नरिश कर रही है, हील कर रही है। आपके ऑरा को और स्ट्रॉन्ग बना रही है। अब इस हीलिंग एनर्जी को, कॉस्मिक एनर्जी को अपना काम करने देते हैं और हम एक सिंपल आनापानसति मेडिटेशन की ओर आपको आपका पूरा ध्यान आपके सांसों पे रखना है। ये भी याद रखना है कि आपकी हीलिंग भी हो रही है, आप एनर्जी के बलून में हो। साथ में हम हर आने वाले और हर जाने वाले श्वास पे ध्यान रखेंगे। एक सांस के साथ एक प्राणी की एनर्जी हमारे शरीर में आती है, ऑक्सीजन, प्राणी की एनर्जी और व्हाइट लाइट सब मिक्स होके हमारे पूरे शरीर में ब्लड वेन से घूम रहे हैं और सारी की सारी इम्प्योरिटीज बाहर जाने वाले उस श्वास के साथ निकाल के फेंक रही है। श्वास ही हमारा जीवन है, श्वास ही हमारा गुरु है।
गुरु को सुनना सौभाग्य होता है, गुरु को समझना अहोभाग्य होता है। हमारे पास हमारे प्यारे पत्री जी ने, ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने और एक गुरु दे दिया है, श्वास। बस उसे हम लोग समझ भी रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन पूरे विश्वास के साथ, जागरूकता के साथ, सजगता के साथ उसके साथ रहना है, बस इतना ही करना है। अंदर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास के साथ रहना है। दौरान आपको बहुत से विचार आ सकते हैं, उन्हें आने दीजिए, एक्नॉलेज कीजिए। उसका आकलन नहीं करना है, उसका एनालिसिस नहीं करना है, उन्हें बस जैसे आए वैसे जाने देना है। और हमारा फोकस, हमारा ध्यान फिर से हमारे श्वास पे आना चाहिए, लाना है। नॉर्मल सांस लेना है, हमें प्राणायाम नहीं करना है, बस एक अना अपाना सति करना है। अना यानी अंदर आने वाली श्वास, अपाना यानी बाहर जाने वाली श्वास, सति यानी उसके साथ रहना, जागरूकता के साथ रहना। अगर कोई गुरु हमें प्रवचन देता है या कुछ बताते हैं, हम लोग कितना ध्यान से सुनते हैं, वही हमें यहां करना है। हमें हमारे श्वास को साथ देना है और फिर बहुत कुछ हमें सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा, क्योंकि ये तो हमारा बहुत ही पर्सनल गुरु है। आपके बारे में उससे ज्यादा किसी और को पता नहीं है और वही सब कुछ बताएंगे, तो बस उसे साथ देना है। श्वास हमारा ऐसा एक दोस्त है, ऐसा एक गुरु है कि हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे साथ है। ऐसे दोस्त को, ऐसे गुरु को सुनना, उसके ऊपर विश्वास रखना जागरूकता से, कितना सहज होगा और कितना आनंददायी होगा और कितना फायदेमंद होगा। जब तक हमारे शरीर में आत्मा है, तब तक हमारे साथ ये सांस है ना, अद्भुत चीज। हम उसका साथ नहीं दे रहे, वो तो हमारा पूरा साथ दे रही है, हमें क्या करना है, बस उसका साथ देना है, सांसों के साथ रहना है, अवेयरनेस से, जागरूकता से समझना है कहाँ कहाँ अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। और एक टूल यूज करो, विजुअलाइजेशन टूल, थिंकिंग टूल। अंदर आने वाली सांस एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लेके आई है और अंदर के स्ट्रेन, तनाव, टॉक्सिन्स, सारे इश्यूज, प्रॉब्लम निकाल के बाहर जाने वाले श्वास के साथ फेंक रहे हैं। सोचिए, उसके ऊपर काम कीजिए, विश्वास रखिए और रिजल्ट देखिए।
कि आपके मन को पता है कहाँ पे आपके शरीर में प्रॉब्लम है या फिर कहाँ पे हील करना है, हीलिंग की कहाँ जरूरत है। लाइट एनर्जी तो ऑलरेडी आपके अंदर है, श्वास भी अंदर आ रहा है, प्राणी की एनर्जी भी आ रही है, ये सारे मिलके पूरी तरीके से काम करेंगे। So just be with your breath. अंदर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास, कोई सोच न कोई विचार, बस श्वास श्वास और श्वास, आना अपाना सती। हम हमारे लिए ही अपने ही श्वास का साथ देंगे, हमें कितना लाभ होगा। अब तक तो हमने दिया नहीं, फिर भी हमें लाभ तो दे ही आ रहे, अब देंगे तो सोचो कितना लाभ होगा, शारीरिक मानसिक हर तरीके से, बस बेनिफिट ही बेनिफिट है। और सब हमारे लिए है, उसे क्यों ना अवेल किया जाए, एक छोटी सी चीज करके, वेरी सिंप्लीफाइड थिंग, सिंपल मेडिटेशन, अना अपाना सती। सांस पे ध्यान दीजिए, अंदर आने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांस। सांस ही गुरु है, सांस ही मित्र है, सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। जितनी अच्छी दोस्ती बनाओगे जिंदगी में उतनी मस्त मस्त। तो चलो सांसों के साथ दोस्ती बनाते हैं। सांस को सिर्फ हमें अटेंशन ही तो देना है, कृपया अपने सांसों पे फोकस कीजिए, सांसों के साथ रहिए।
जब हमें पता है कि हमारे सांसों के साथ दोस्ती है, हमारे सारे समस्याओं का निवारण वहीं पे है, तो कोई और सोच क्यों? बस सांसों पे ही हम रहेंगे, सांसों के साथ रहेंगे। जब तक मेडिटेशन कर रहे तब तक तो सांसों के साथ रह ही सकते हैं। So please be with your breaths. Be a witness of your breath, in breath and out breath. और एक अंदर आने वाली सांस नई एनर्जी लेके आती है और बाहर जाते हुए अपने शरीर से गंदगी, टॉक्सिन्स, एंजाइटीज, टेंशन्स सब निकाल के बाहर फेंकती है। हमें तो उस बारे में पता भी नहीं होता है। और अगर अब पता चल गया है तो जो चीज हमें बाहर फेंकनी है वो विजुलाइज करके, सोच के बाहर जाने वाली सांस के साथ उसे भी ऐड करके डस्टबिन में डाल के भेज सकते हैं। अब हम पूरी तरीके से अवेयर हो गए हैं। जैसा चाहिए उतना अच्छा जीवन हम जी सकते हैं, बस सिर्फ सांसों के साथ रह के। जागरूकता से, अवेयरनेस से, दृढ़ विश्वास से लास्ट 5 मिनट्स फ्रेंड्स। अब इस 5 मिनट में आप पूरी तरीके से डिवोट हो जाइए अपने सांसों के प्रति, और जो भी आपको दिखता है साक्षी भाव से देखिए। अपने सांसों के साथ रहिए फ्रेंड्स। बड़ा शिकरण है। आखिरी 2 मिनट
आखिरी एक मिनट लास्ट 30 seconds seconds 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. अब आप अपने हथेलियों को खोल के धीरे से अपने आंखों के ऊपर 5 सेकंड के लिए रखिएगा. 5 4 3 2 1 0. अब धीरे धीरे एक सुंदर सी मुस्कान के साथ हाथों को खोलते हुए अपने आंखों को खोलिए और अपने आप के लिए, आपके ध्यान के लिए और हमारे प्यारे डॉक्टर ब्रह्म ऋषि पत्री जी के लिए तालियां बजाइए. आप जल्दी ट्रांस से बाहर आ सकते हो. थैंक यू खेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे ध्यान के लिए. तो चलिए फ्रेंड्स, आज ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गए हैं. हमारे साथ 3 स्पीकर हैं और जो अपने विजडम को शेयर करेंगे. तो जिया जी हैंड रेस करिए, मुझे दिख नहीं रहे हैं. खेम जी दिख रहे हैं जिया जी आपको? क्या है उनका नाम पूरा? जिया मीर चंदानी. अभी तक आई नहीं है क्या वो? चलिए जब तक के हम, निहारिका जी आप स्टार्ट करेंगी? हाँ जी आंटी, आप स्टार्ट करेंगे जब तक? ठीक है, मैं स्टार्ट कर देती हूँ. हाँ तो फ्रेंड्स, जिया जी जब तक के ज्वाइन हुए, निहारिका जी आज लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताएंगी. कर्मा के बारे में आप सब जानते हैं, पर जब हर कोई मास्टर अपने लफ्जों में बताएगा तो कुछ अपना भी विजडम डालेगा, कुछ अपने भी एक्सपीरियंस डालेगा. तो आज हम निहारिका जी से सुनते हैं कर्म सिद्धांत. जिया जी आ गई हैं, अगर निहारिका अगर आप बुरा नहीं माने तो उनको ही बुलाऊं, क्योंकि उनको थोड़ा जल्दी लीव करना है मीटिंग. हाँ जी, कोई बात नहीं. हाँ जी अजी, आप इतनी देर से दिख नहीं रही थी मुझे. आंटी हम तुरंत हैंड रेस किया, आप देखेंगे. अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है बेटा, हम लोग आपको जल्दी मीटिंग लीव करना है तो आप पहले. ओके, थैंक यू सो मच. जिया जी आज बताएंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जी आंटी, जितना प्रिपेयर किया है बोलेंगे सबको. जी आप सभी मास्टर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और हमारे प्यारे पत्री जी को आत्मवंदन, और हमारी प्यारी नीता आंटी को बहुत सारा प्यार. तो पहले स्टार्ट करते हैं मेरी स्पिरिचुअल जर्नी से. मेरी यात्रा शुरू हुई थी आज से 8 साल पहले. जैसे बाकी लोगों की लाइफ होती है एक रोलर कोस्टर राइड जैसी, कभी ऊपर कभी नीचे, वैसे ही मेरी लाइफ थी. और एक दिन आते जाते एक बैनर दिखा, उसमें लिखा था पिरामिड मेडिटेशन सेंटर. तो जब उसको देखते थे ऐसा लगता था कि ये सीखना है. लेकिन कभी उस तरफ जा, मतलब रोज वहीं से पास करते थे लेकिन कभी जा नहीं पाते थे वहाँ. तो एक दिन कहीं हमको नेहा जेठानी मिली, बात करते करते उन्होंने खुद बताया कि मैं मेडिटेशन सिखाती हूँ. तो मैंने बोला कि हमको सीखना है, क्योंकि हम कई दिनों से सोच रहे थे जाने का. तो उन्होंने बोला ठीक है, संडे को 7 बजे आ जाना. बस वहीं से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई और नेहा जेठानी जो है वे मेरी पहली स्पिरिचुअल गुरु बनी. उसके बाद फिर उनकी शादी होने के बाद वो मेडिटेशन जो है धीरे धीरे छूट गया.
उसके बाद ये भी लॉकडाउन में नीता आंटी के साथ जुड़ने के बाद काफी कुछ मिला, नॉट इवन मेडिटेशन, सज्जन सांगत, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो पहले स्टार्ट करते हैं हमारे जो टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमको कैसे पता चला, मेरी एक फ्रेंड, जब ऐसे ही मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने हमको एक बुक दी, बोली दीदी ये बुक पढ़ना। उस बुक का नाम था सीक्रेट, हिंदी में उसका नाम रहस्य है। हो सकता है आप लोग मास्टर्स हैं, आप लोगों में बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, आंटी ने शायद मूवी भी शेयर की थी इसकी। yes. तो उस वो बुक मिलने के बाद, उसको पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें उसकी लाइफ में यूज की है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया है अपनी लाइफ में, और उससे बहुत कुछ एडवांटेज भी मिला है। तो उसमें जो बताया गया है सीक्रेट, जो सीक्रेट बताया गया है रोंडा ब्रायन ने, वो क्या है कि व्हाट यू वांट इज व्हाट यू गेट। यही है एक्चुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आप जो चाहते हैं वही आपको मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे हम जो चाहते हैं वो तो हमको मिलता नहीं है, तो वो कैसे मिलेगा? तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू से बताना चाहेंगे मेरी लाइफ में। जैसे वो बुक पढ़ी, तो मेरी जब शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली शुरू से रेंटेड हाउस में रहते थे। तो उन मेरे हस्बैंड का एक ही सपना था, मुझे अपने घर पे जाना है। बहुत कोशिश करते थे। उस बुक में एक स्टोरी दी हुई थी, एक आदमी था जिसने एक पेंटिंग बनाई थी, बहुत सुंदर अपने घर की पेंटिंग बनाई थी, और बना के बोला था जब भी घर लूंगा मैं ऐसा ही घर लूंगा। और वो अपने काम में और डेली वर्क में वो पेंटिंग कहीं रख के भूल गए। काफी सालों के बाद, बहुत मेहनत के बाद उन्होंने घर बनाया। एक दिन वो अपने गैराज को क्लीन कर रहे थे, तो उनको वहां पेंटिंग मिली और उन्होंने देखा और वो हैरान हो गए कि काफी साल पहले उन्होंने सेम वही पेंटिंग बनाई थी जैसा आज उनका घर है। तो उसमें लिखा था आप लिखिए, आप मन में सोचिए, आप बनाइए, कुछ भी करिए, इमेजिन करिए। तो एक पेपर में लिखा था कि मुझे भी अपना घर बनाना है, और वो पेपर अपने कवर्ड में कहीं रख दिया। वो आज तक तो मिला नहीं, लेकिन हम अपने घर में जरूर शिफ्ट हो गए। आज से आई थिंक 6 years होने वाले हैं अपने घर में। तो यही है पावर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्या मांग रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जो भी बोलना है वो पॉजिटिव बोलना है, जो चाहिए वो बोलना है, या जो वर्ड बोल रहे हैं उसके आगे नहीं नहीं लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे तो यूनिवर्स ये नहीं जानता कि हम क्या बोल रहे हैं, वो हमारी फीलिंग्स को समझता है। हमको डोंट या ना वर्ड यूज नहीं करना है, नहीं ये हमको नहीं चाहिए, ऐसा बोलेंगे तो वहां सिर्फ नहीं 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 का वाइब्रेशन आएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, जो चाहिए वो हमको बोलना है, हमको वही मिलेगा जो हम चाहते हैं, हमारे अंदर से वो फीलिंग्स आनी चाहिए, तभी वो अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट किससे करना है, यूनिवर्स से। जो हमारा यूनिवर्स है वो हमारी फीलिंग्स को, हम जो चाहते हैं उसी को समझता है। विजुअलाइजेशन करना, इमेजिन करना कि हमको ये चाहिए, और उसको अपनी पॉजिटिविटी से अपने तरफ खींचना। ऐसा बोला है उस बुक में रोंडा ब्रायन ने कि अगर आपको ये चीज, अगर आपको बहुत रिच बनना है, बहुत पैसे वाला बनना है, तो आप इमेजिन करिए कि आपके पास, कल आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी आएगी और आपके पास इतने पैसे होंगे और आप इतने अच्छे कपड़े पहनेंगे। आप विजुअलाइज करिए, आप उसकी कल्पना करिए, उसी से आप यूनिवर्स को अट्रैक्ट करेंगे उन चीजों को अपनी तरफ। तो उसके लिए सबसे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पॉजिटिविटी। आप कितनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसको अट्रैक्ट करते हैं वही मेन रहता है। अगर आप नेगेटिविटी से अट्रैक्ट करेंगे तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी। सीक्रेट में ये लॉ ऑफ हमारे लाइफ का सीक्रेट ही यही है अट्रैक्शन। हम अपने ब्रह्मांड में अपने जो विचार बताते हैं ब्रह्मांड को, तो हम जितनी अच्छी चीजें बोलेंगे उतनी अच्छी चीजें हमको यूनिवर्स हमको रिटर्न देगा, और जितनी नेगेटिव चीजें बोलेंगे वो उतनी ही बुरी बुरी चीजें हमारे तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव एनर्जी एक फ्यूल जैसा है, जैसे हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डालते हैं तो हमारी गाड़ी चलती है, वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हमारी लाइफ का फ्यूल है, हमारी लाइफ की गाड़ी। अगर हमको पैसे चाहिए, हमको खुशी चाहिए, तो हमको अपनी गाड़ी, अपनी लाइफ की गाड़ी में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी भरनी है। तो ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स हम एक जैसे बताए,
एक आपको सबसे पहले बताए जो हम वहां देखते थे कि हमको मेडिटेशन करना है ये सीखना है, वो जब यूनिवर्स को थ्रो किए तो वो अपने आप मेरे पास आया। ये एक सबसे पहले मेरे लाइफ में मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी आने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। और एक और बहुत रिसेंटली एक एग्जाम्पल होगा, आप सब देखे होंगे, आंटी ने लास्ट मंथ बताया था कि मुझे करताल जाना है, अंकल ने मना किया था लेकिन आंटी बोलती थी मैं करताल जा रही हूँ, मैं करताल जा रही हूँ, लेकिन अंकल मना करते थे, लास्ट में अंकल मान गए। तो आंटी ने क्या सब, आंटी जो भी बोलती है ना, कभी भी सेशन के बीच में बोलती है, कहीं भी बोलती है, आप बहुत ध्यान से सुना करिए, बहुत सारी चीजें सिखाती है आंटी हमको। तो आंटी ने वो पॉजिटिव एनर्जी थ्रो की, उसको अट्रैक्ट किया, आंटी को वो मिल गया। तो हम सबको जो चाहिए वो पॉजिटिव, और वो ऐसे इमेजिन करना है कि वो हमको मिल गया तो वो हमको जरूर मिलेगा। कुछ और एग्जांपल्स हम बता के समझाना चाहते हैं, जैसे जब आंटी ने बोला ना कि जिया तुमको करना है, तो बीच बीच में कोई कोई मेडिटेशन सेशन करते रहते हैं, तो उसमें ओशो का एक वर्स सुना था, बिल्कुल वहीं से सुना था शायद जितना वो चाहते हैं, यूनिवर्स चाहता होगा कि हम आपको बताएं, कि कुछ सोल्जर्स थे वो युद्ध के लिए जा रहे थे और वहां बीच में एक मंदिर आया, हम यहीं से सुने, वहीं से सुना रहे। मंदिर में उन्होंने पंडित से पूछा कि हम लोग ये वॉर, ये जो युद्ध है वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तो उन्होंने बोला ये सिक्का उछाल के टॉस करते हैं, तो उन्होंने बोला हेड्स करोगे तो जीतोगे, तो उन्होंने टॉस किया और वो हेड्स आया, वो लड़ने गए और वो जीत गए। तब लौटते समय जब वो आ रहे थे तो मंदिर में बोले चलो हम माथा टेक के आते हैं, तो पंडित को बोला, तो पंडित ने बोला इस कॉइन के दोनों तरफ ही हेड्स हैं, आपने ये सोच के गया कि हम जीतेंगे इसीलिए आप जीते हो, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, आपने इमेजिन किया कि आप अच्छा करोगे, या आप ये चीज आप इमेजिन करके गए थे, तो आपके अंदर वो एनर्जी थी, वो पॉजिटिविटी थी, इसीलिए आप जीत के आए। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मेरे हस्बैंड है ना, हम लोग ने हमारा जब हमारा बेटा था तो हम लोग ने डिसाइड किया था हम एक ही बेटा करेंगे, अचानक से कुछ सालों में उन्होंने बोला मुझे बेटी चाहिए। वो बहुत तिरुपति बालाजी जाते हैं, बहुत मानते हैं, तो बोले मैं भगवान से मांग के आया मुझे बेटी चाहिए, हमेशा बोलते रहते थे। हम बोले ऐसा आप कैसे बोल सकते हो कि बेटी होगी बेटी होगी, इतना उनको उनके अंदर पॉजिटिविटी थी, बोलते थे नहीं होगी तो बेटी होगी, नहीं भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भगवान से मांग के आऊँ, और सच में हमको बेटी हुई। तो वो जब हम उनको बोलते हैं ना, वो बिलीव नहीं करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन हम उनको कुछ दिन पहले बोले जब आप ये इमेजिन करके आए थे कि मुझे बेटी चाहिए आपको मिल गई, दैट मीन्स यू हैव यूज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, हम अपने लाइफ में जितनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कुछ भी यूनिवर्स से मांगेंगे वो हमको जरूर मिलेगा। बस आंटी इतना ही प्रिपेयर किए थे, थैंक यू। और एक चीज और बोलना चाहते हैं, जैसे एक चीज और लास्ट में बोलना चाहते हैं, मेरी भी वैसे लॉकडाउन के ठीक पहले में मेरी बहुत तबीयत खराब थी, मेरा ऑपरेशन भी हुआ था, तो उसी समय आंटी का लिंक मिला, तो हम ये बोलना चाह रहे थे कि पत्री सर सबको इतना अच्छा ध्यान करवाना स्टार्ट किए, वो तो सबके घर घर पहुंच नहीं सकते, तो वो हम सबके लिए छोटे छोटे एंजल्स बना के रखे हैं, ये जो हमारी नीता आंटी है ना, ये बहुत प्यारी सी एंजल है जिन्होंने हम सबके लिए इतना कुछ किया है, मतलब ये स्पिरिचुअलिटी और ये ध्यान यूज करने से हम सबके लाइफ में बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, तो हमको उसको यूज करना चाहिए और हमको सबको सिखाना चाहिए, और सबको अगर सबके अंदर पॉजिटिविटी आएगी तो आई थिंक ये जो प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड में और हमारी लाइफ में, ये सब हमारे पॉजिटिव एनर्जी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के यूज से सारी दूर हो जाएंगी। थैंक यू आंटी और थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जिया। तो देखिए, जब तक के हम ध्यान में नहीं आए थे, हमें अपने वर्ड्स की, अपनी इंटेंशन की पावर ही नहीं मालूम थी। ध्यानी वही होता है जो अपनी संकल्प शक्ति से जो चीज चाहे उसको अट्रैक्ट करके मैनिफेस्ट कर सकता है। हमें कहाँ मालूम था, जैसे मुझे मालूम चला, मैंने आप लोगों को बांटा, आप लोगों का काम है अब और लोगों को बांटिए, है ना, तो सब लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताइए। तभी कहते हैं विक्टिम कॉन्शियसनेस में नहीं रहना है। जितना कहोगे कि ये परिस्थिति नहीं चाहिए मुझे, नहीं मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो उतना ही आप दुख को अट्रैक्ट करेंगे। ये इतना अच्छा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जितना बार आप सुनेंगे उतने बार अपने माइंड को आप रिन्यू करते जाएंगे कि हमें एक भी गलत थॉट नहीं लाना है,
किसी से भी कंप्लेन नहीं करनी है ताकि हम उसी को अट्रैक्ट ना कर सके। तो जिया जी बहुत अच्छा बोली और बहुत स्वीट गर्ल है। और देखिए इन्होंने मेडिटेशन तो किया जबकि इनके घर में कोई भी नहीं करता है, और वेजिटेरियनिज्म को भी इन्होंने अपने डिटर्मिनेशन से फॉलो करना शुरू किया। तो सभी लोग इसके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। थैंक यू जिया। तो आखिरी तक के रहेंगे आप लोग आपसे, और जिया अगर तुमको छोड़ देना। हाँ हम थोड़ी देर में लीव कर देंगे अगर किसी को कुछ पूछना है तो, बाकी हम जितना बता सके बताएंगे, बाकी आंटी तो हैं हेल्प करने। हाँ हाँ तो मैम अनम्यूट कर दे रही हूँ, सब लोग कम से कम उसको बकअप करिए ताकि ऐसे मास्टर। जिया आपने बहुत अच्छा बोला, थैंक यू सो मच आपके लिए। वेरी गुड जिया, वेरी वेल सेड जिया, बहुत अच्छा बोला, अच्छी तरह से समझाया, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा बोला जिया, बहुत अच्छा लगा, बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है। थैंक यू भैया जी, यस कीप इट अप। हम एक्चुअली बहुत नर्वस थे हम ना, मतलब स्पीच देने में या सबके सामने बोलने में वैसे ही बहुत घबराते हैं। आपने पहली बार बोला है करके बहुत अच्छा बोला। हाँ आंटी की एनर्जी थी, और ना कोई हमको बोला था कि आप बोलते समय, बोलने से पहले जब ध्यान करोगे तो जिन्होंने बुक लिखी थी ना उनके बारे में ध्यान करना कि वो आपको एनर्जी दे और बताए कि मतलब उनकी हेल्प ले कि वो मतलब वो जो वो बुक में बोली थी वो फील सबको मिले। निहारिका जी को जो कर्मा के बारे में बताएंगी। निहारिका एक बार और बोल चुकी है, उनको ज्वाइन करे हुए मेडिटेशन सिर्फ 1.5 महीना हुआ है। इन्होंने पिछले बार भी बोला था पर इनका मन हुआ कि मैं और बोलू, तो ऐसे मास्टर लोग का मोस्ट वेलकम कि बार बार बोल के वो अपनी वाक शुद्धि कर रहे हैं और हमारा भी ज्ञान बढ़ा रहे हैं। तो ये सब जो मास्टर आज आपको दिख रहे हैं ना, बाद में आपको सब पीएमसी हिंदी में दिखने वाले हैं, है ना, स्वाध्याय सीरीज करते हुए। ओके निहारिका, वेलकम बेटा। थैंक यू आंटी, आप मुझे निहारिका जी मत बोलिए, यू कैन कॉल मी निहारिका। ओके बेटा, ओके। तो नमस्ते सभी मास्टर्स को, नमस्ते ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, नमस्ते टू ऑल द एस्ट्रल मास्टर्स एंड माय ऑल डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम निहारिका है, मैंने कुछ पिछले 1.5 महीने से शुरू किया है मेडिटेशन, आनापानासति मेडिटेशन, और आई कैन सी द डिफरेंस। मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, अब मैं देख रही हूँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है। और मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी, मैं हमेशा से साइंस लेना चाहती थी स्कूल में 11th में, बट फॉर सम रीजन मैंने साइंस नहीं लिया और मैंने कॉमर्स लिया। बाद में मुझे हमेशा लगता था कि मुझे साइंस लेनी चाहिए थी। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज ऑल्सो अ साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, तो माई ड्रीम हैज कम ट्रू कि मैं स्पिरिचुअल साइंस में एक तरीके से साइंस को ही पढ़ रही हूँ। ऑल्सो नीता आंटी थैंक यू सो मच, इतना कॉन्फिडेंस और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आप हमेशा बहुत मोटिवेट करते हैं जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठी हूँ। तो मेरा प्लेटफॉर्म यही कहलाएगा, जबकि मैंने JTTP से शुरुआत करी थी 1.5 महीने पहले, लेकिन मैं ऑफिशियली कहूंगी तो मेरा प्लेटफॉर्म, मेरी जर्नी आपसे ही शुरू होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो फ्रेंड्स मेरा टॉपिक है कर्मा, व्हाट इज कर्मा एंड हाउ इट वर्क्स, कर्मा कैसे काम करता है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप मैं आपको बताऊंगी, और ये बताऊंगी अच्छे और बुरे कर्म क्या होते हैं, और एंड में करूंगी कि हम कार्मिक साइकिल को, कार्मिक ट्रैप को, जो साइकिल चलता आ रहा है, ये कर्मों का चक्रव्यूह चलता आ रहा है, उसे कैसे खत्म करना है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। तो पहले जानते हैं व्हाट इज कर्मा, कर्म क्या होता है। कर्म होता है जब भी हम कोई एक्शन करते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं, उसके पीछे जो इंटेंशन होती है, जो मोटिव होता है, उसे कहते हैं कर्म। ऐसे ही जब भी कोई काम करते हैं उसके पीछे अगर कोई इंटेंशन नहीं, कोई मोटिव नहीं है, कोई ग्रीड नहीं है, तो उसे कहते हैं अकर्म।
जैसे कि चलते हुए अगर हम चींटी के ऊपर पैर रख देते हैं, दब जाती है, तो हम उसको कहेंगे ये अकर्म है, क्योंकि हमने हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी उस चींटी को मारने की। लेकिन वही अगर हम जानबूझ के अपना पैर चींटी के ऊपर रखते हैं तो उसको हम कहेंगे कर्म। जैसे कि हम ब्रेथ लेते हैं, हम सांस लेते हैं, हमारी सांस अपने आप चलती जाती है, तो ये कोई कर्म नहीं है। जैसे खाना खाने के बाद हम डाइजेशन सिस्टम हमारा चलता है, तो वो कोई कर्म नहीं है, वो एक नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है जो चलता है। लेकिन अगर हम प्राणायाम करते हैं, अगर हम अपनी सांसों को ऊपर नीचे देखते हैं और हमारी इंटेंशन होती है कि प्राणायाम करके हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी या हमारी कोई बीमारी ठीक हो जाएगी, तो उसे कहते हैं कर्म। तो कर्म बेसिकली जब हम अवेयरनेस में कोई काम करते हैं, कॉन्शियसनेस में कोई काम करते हैं, उसे कहते हैं कर्म। लेकिन जब हम कोई कॉन्शियसनेस में काम नहीं करते, अवेयर नहीं होते किसी बारे में और कुछ भी कर देते हैं, तो वो उसे कहते हैं अकर्म। ऐसे ही जब हम कोई कर्म, अब मैं बताऊंगी कि सही और गलत कर्म क्या होते हैं। जैसे कि मैं कोई कर्म कर रही हूँ जिसके पीछे मेरा इंटेंशन बिल्कुल खराब है, या मैं चाहती हूँ कि सामने वाले का बुरा हो जाए और मेरे अच्छे के लिए, मतलब अपने अच्छे के लिए मैं सामने वाले का बुरा होता हुआ देख सकती हूँ, मुझे कोई गिल्टी नहीं हो रही, तो उसे कहेंगे बुरा कर्म। ऐसे अच्छा बुरा कर्म, बुरा कर्म अच्छा कर्म कहेंगे जब मैं सामने वाले के भलाई के बारे में भी सोच रही हूँ, इस बात पे भी ध्यान दे रही हूँ कि मेरे कर्म से, मेरे कार्य से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो उसे कहेंगे अच्छा कर्म। तो कर्म जो होते हैं वो हमारे इरादों पर होते हैं कि हमारे इरादे कैसे हैं, हमारी इंटेंशन कैसी है, ना कि रिजल्ट। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। इसलिए कर्म जो होते हैं वो हमारे इरादे होते हैं, रिजल्ट जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको कर्म नहीं कहते कभी भी, वो भगवान के हाथ में होता है हमेशा। जो भी कर्म करके हमें अंदर से स्ट्रांगनेस मिलती है, जो भी काम करके, यहाँ जब मैं काम बोलती हूँ इसका मतलब होता है थॉट, जो भी मैं थॉट लाती हूँ जिसके अंदर मैं स्ट्रांग बनती हूँ उसे कहते हैं अच्छे कर्म। लेकिन जिन थॉट से मेरे अंदर वीकनेस आती है उन्हें कहते हैं बुरे कर्म। ऐसे ही जिन थॉट से, जिन कर्मों से हमारे अंदर फियर पैदा होता है, डर पैदा होता है, उन्हें कहते हैं बुरे कर्म। लेकिन जिन कर्मों को करके, जिन कार्य को करके हमारे अंदर कोई डर पैदा नहीं होता, हम स्ट्रांग होते हैं, उन्हें कहते हैं अच्छे कर्म। ऐसे ही जो कर्म करके हमें गुस्सा आता है, या हमारा पीस ऑफ माइंड खराब हो जाता है, या हमारा मन कमजोर हो जाता है, उन्हें कहते हैं बुरे कर्म। ऐसे ही जिन कामों को करके हमारा हमें पीस मिलता है, शांति मिलती है, हमारा हमारा माइंड कमजोर नहीं स्ट्रांग बनता है, उन्हें कहते हैं अच्छे कर्म। गौतम बुद्धा कहते हैं यू हार्म योर सेल्फ एज डस्ट थ्रोन अगेंस्ट द विंड कम्स टू द थ्रोअर। आप अगर किसी पर धूल डालोगे तो वही धूल हवा की वजह से फिर आप पर ही उड़ेगी। दिस इज कॉल्ड कर्म। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर एक मरीज का इलाज करता है, इलाज करते हुए वो सोचता है कि मुझे सिर्फ उस मरीज को बचाना है कैसे भी करके, वो अपने पूरा इंटेंशन, उसका इंटेंशन, उसकी जो थिंकिंग थॉट होता है वो इतना प्योर होता है और इतना पॉजिटिव होता है कि उसको चाहिए कि मरीज को मुझे बचाना है, तो ये है अच्छा कर्म। लेकिन अगर वो मरीज मर जाता है तो ये नहीं कि वो डॉक्टर का बुरा कर्म बन जाता है, फिर भी वो डॉक्टर का अच्छा कर्म ही कहलाएगा, क्योंकि उसकी इंटेंशन साफ थी, उसकी इच्छा साफ थी, उसकी नेक ख्याल थे कि पेशेंट को उसको बचाना है। जब हम कोई भी थॉट, कोई भी वर्ड, कोई भी एक्शन करते हैं तो उसमें एक एनर्जी क्रिएट होती है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वही वाइब्रेशन हमें वापस आके मिलती है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा यही कहता है कि जैसी हमारी वाइब्रेशन होंगी, जैसे हम एनर्जी क्रिएट करेंगे अपने थॉट्स से, अपने शब्दों से, अपनी सोच से, अपने एक्शन से, वो होता है लॉ ऑफ कर्मा। अब मैं बताऊंगी हाउ इट वर्क्स, लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है। इमेजिन करिए एक आदमी एक दूसरे आदमी का को डाका डाल रहा है, बंदूक की नोक पे वो पैसे छीन रहा है उसके, और उसने कर लिया, मतलब उसने उसके सारे पैसे लूट लिए। अब यहाँ क्या होता है, ये जो बुरा कर्म उसने किया है, जो बुरी सोच उसके दिमाग में आई कि मुझे इसका चोरी करना है, तो वो सोच और वो कर्म वो उसकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। बॉडी में ही नहीं, हमारे बुरे कर्म जो होते हैं उनकी वाइब्रेशन और एनर्जी हमारी सोल में भी स्टोर हो जाती है, जैसे कंप्यूटर में सब स्टोर हो जाता है, सोल में, बॉडी में, हमारे जीन्स में भी स्टोर हो जाता है, हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स जो होते हैं
उनमें स्टोर हो जाता है, हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह हम कहते हैं राहु ग्रह, उन ग्रहों में भी सब स्टोर हो जाता है। तो अब उस आदमी ने जिसने लूटा उसको, तो उसकी सारी जितने भी उसकी बुरी वाइब्रेशन थी, जो उसने बोला बुरे शब्द थे, वो एज अ वाइब्रेशन और एनर्जी उसकी सोल में, उसकी बॉडी में, उसके जीन्स में, उसके आकाशिक रिकॉर्ड में, उसके प्लैनेट्स में सब स्टोर हो गया। अब जब ये सब भर जाता है, जब प्लैनेट्स के अंदर इतनी नेगेटिव वाइब्रेशन उस आदमी की भर जाती है, तो जो उसने इंफॉर्मेशन अपलोड करी, अब उसको डाउनलोड करने का तो टाइम आएगा ही। कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अब यहाँ आता है लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। जैसे उस आदमी ने जितने बुरे कर्म करके वाइब्रेशन भेजी प्लैनेट्स पे, तो जो अपलोड किया वो डाउनलोड करने की बारी आती है। जब वो डाउनलोड होता है, जब वो वापस हम पे आता है, वो उससे कहते हैं कर्मा। वो कर्म का साइकिल शुरू हो जाता है उसका वहीं पे। यूजुअली एक लाइफ टाइम लगता है उस साइकिल को कंप्लीट होने के लिए, लेकिन कई बार कई जन्म लग जाते हैं उस कर्मिक साइकिल को चलते हुए। अब आप पूछेंगे कि कैसे वो साइकिल खत्म होगा। अब एक तराजू में अच्छा है और बुरा है, दोनों होते हैं। अब यहाँ पे उस आदमी ने इतना बुरा किया कि अब उसके कर्म उसके सामने तो आएंगे, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं वहां पे उसकी वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन इतनी भर गई है कि अब वो वापस तो आएंगी ही आएंगी। तो अब वापस किस रूप में आएगी? या तो उसी आदमी के साथ चोरी हो जाएगी जिस तरह से उसने करा, या फिर उसकी कोई बहुत ही अनमोल चीज उससे छीन जाएगी। ऐसे ऐसे करके उसका जो साइकिल है, जो स्केल है, वेइंग स्केल, वो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ इसको कहते हैं लॉ ऑफ बैलेंस। माय डियर फ्रेंड्स, एक तरीका भी होता है कार्मिक इफेक्ट्स को कम करने का। हम अपने बुरे कर्मों को कम भी कर सकते हैं, हम अपने बुरे कर्मों को नलिफाई भी कर सकते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, उन्हें डिसॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो होता है लॉ ऑफ ग्रेस से। लॉ ऑफ ग्रेस का मतलब दूसरा होता है पाथ ऑफ फॉरगिवनेस, माफी देना। लॉ ऑफ ग्रेस कहता है कि जिस आदमी ने बुरा किया है, अगर वो अपना पूरा दिल खोल देता है जिसके सामने, जिसका बुरा किया, पूरा दिल खोल के उससे माफी मांगता है, रिपेंट करता है, उसके अंदर वही फीलिंग क्रिएट होती है, वही हर्ट क्रिएट होता है जो हर्ट उसने उस आदमी को दिया है। अगर वही फीलिंग उतनी डीप और उतनी स्ट्रांग होती है, तो ऑब्वियसली उसका एक वाइब्रेशन भी पैदा होगा। जब भी हम कुछ फील करते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, उसकी एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। यहाँ पे वो आदमी एक फीलिंग क्रिएट करेगा रिमोर्स की, वो फीलिंग क्रिएट करेगा पश्चाताप की, गिल्ट की, गिलानी की, वो फीलिंग क्रिएट करेगा। और वो फीलिंग जो है वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हर वाइब्रेशन जो होती है हमारी बॉडी, सोल, जीन्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स, प्लैनेट्स में स्टोर हो जाती है। तो वही वाइब्रेशन जब वो उस आदमी को हर्ट दिया, जब वो फील करता है बहुत डीपली और स्ट्रॉन्गली, तब जाके वो कर्म उसका रिलीज हो जाता है। और एक और है कि साथ में वो ये संकल्प भी रखता है कि वो इस तरीके की का बुरा कर्म दोबारा नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि माफी मांग के फिर दोबारा वो कर्म बुरा कर रहा है, नहीं, वो उस बुरे कर्म को दोबारा नहीं करेगा। फॉरगिवनेस का एक और मतलब होता है कि जब हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके होते हैं। एक होता है कि हम उस इंसान से उसी जन्म में आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि माफी मांग सकते हैं, ताकि वो आमने सामने वो खत्म कर्म खत्म हो जाए, दोबारा जन्म ना लेना पड़े। और दूसरा होता है कि हमारे अंदर ईगो इतनी होती है कि हम कहते हैं कि नहीं, ठीक है मैंने बुरा किया, लेकिन सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसको ऐसे आनाकानी कर दें। लेकिन हमारा वो कर्म बैलेंस तो करना जरूरी होता है, तो वो कर्म जो होता है वो अगले जन्मों में फिर आना शुरू हो जाता है। थैंक यू, मेरा इतना ही था आज का। थैंक यू निहारिका जी, थैंक यू, आपने अपने हिसाब से ठीक बताया, वंडरफुल, थैंक यू। मैडम लगती नहीं है ये 1.5 महीने से ही कर रही है। बिल्कुल। ये पिछले जन्मों में हमें बहुत मास्टर किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमसे सीनियर होंगी है ना। इतना अच्छा बोल रही है। वेरी गुड, हैट्स ऑफ टू यू निहारिका जी।
थैंक यू निहारिका जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा था. थैंक यू, बहुत ही सुंदर था मैम. निहारिका मैम बहुत ही सुंदर था. आगे बढ़े हैं हम लोग. आखिरी में आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा और जो भी कुछ डाउट हो तो, है ना. तो फाल्गुनी जी कहाँ हैं आप? हमारी थर्ड स्पीकर फाल्गुनी जी हैं, वो भी हमसे बहुत थोड़े देर पहले ही टाइम जुड़ी हैं. यस फाल्गुनी जी, ये ग्रैटिट्यूड के ऊपर बोलेंगी. हाँ फाल्गुनी जी, गुड इवनिंग. थैंक यू मैम. मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी. आज मेरा सब्जेक्ट है ग्रेटिट्यूड पे, तो सबसे पहले पत्री सर को थैंक यू और प्रणाम. नीता मैम आपको थैंक यू और प्रणाम, और सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम और थैंक यू. ये मेरा पहला सेशन है तो थोड़ा मैं आवाज कम आ रही है फाल्गुनी जी, थोड़ा सा आवाज. हाँ बोलिए. अभी आ रही है आवाज? हाँ थोड़ा बुलंद बोलिएगा अभी. अच्छा थोड़ा बुलंद बोलूं मैं. ओके आज का मेरा टॉपिक है ग्रेटिट्यूड पे. ग्रेटिट्यूड का मतलब है फाल्गुनी जी, एक्सक्यूज मी पहले थोड़ी सी अपनी जर्नी, कहाँ रहते हो, सब कुछ बताओ. अच्छा वो भी बताओ, मुझे लगा वो पहली बार बता दिया है तो फिर. नहीं फिर से बताइए. एक्चुअली हाँ ओके, मेरा नाम फाल्गुनी देसाई है. मैं भरूच में रहती हूँ गुजरात, और मैं प्योर गुजराती हूँ. और नीता मैम ने मुझे ये टॉपिक पकड़ा दिया है थोड़ा कि तुम बोल दो. कल तो मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, सुबह से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ. और कल एक मैडम ने बोला था कि वो बोल देगी. आई थिंक आज अभी जो हेड्स ऑफ बोला है उन्होंने ही बोला था कल. जी जी, पर मैं तुमने मॉर्निंग में मुझे मैसेज किया कि यस आई ट्राई, तो मैंने उनको रोक दिया. मैंने कहा नहीं फाल्गुनी को बोलने दो. तो मैंने थोड़ा हिम्मत जुटा के थोड़ा किया है. मैं ट्राई करती हूँ मेरा बेस्ट. और ओके मैं टॉपिक पे बोलती हूँ. आज का हमारा टॉपिक है ग्रेटिट्यूड पे. ग्रेटिट्यूड का मतलब है आभार व्यक्त करना, थैंक यू. और ये एक्सेप्टेंस ऑफ द लव टूवर्ड्स हमें जो मिला है उसके अगेंस्ट में हम जो हमारा लव को कृतज्ञता जो हम दिखाते हैं, हम ग्रेटिट्यूड हमें हमारा जो ग्रेटिट्यूड है वो यूनिवर्स को, गॉड को, सुप्रीम पावर को, सभी को हमें डेली ग्रेटिट्यूड करना चाहिए. डेली मॉर्निंग में सुबह उठते ही पहला हमें सबको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए. तो माइंड में पहला ये क्वेश्चन आएगा कि पहला फर्स्ट रीज़न कौन सा होना चाहिए कि जिसका हम ग्रेटिट्यूड करें. तो हम सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है अभी प्रेजेंट मोमेंट में, जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं जिंदा हूँ, आई एम अलाइव. मैं अलाइव हूँ, आज मुझे एक नया दिन मिला है मेरे फैमिली के साथ स्पेंड करने का. मुझे पूरा दिन कुछ नया सीखने को मिला है, उसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करूँगी गॉड को, यूनिवर्स को. और दूसरा ग्रेटिट्यूड मेरे जो फैमिली मेंबर्स है वो भी सही सलामत है, वो भी सेफ है, और हम सब टुगेदर एक नया दिन की शुरुआत कर रहे हैं. इसके लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच टू गॉड, थैंक यू सो मच टू यूनिवर्स. शुक्रिया क्यों अदा करना चाहिए? क्योंकि सभी को प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, किसको प्रॉब्लम नहीं होता है. सभी, लेकिन सभी की लाइफ में मोस्टली 98% जो थिंग्स है वो उनको सेटिस्फाइड होती है, वो उनको मिल चुकी होती है. मींस ऑल आर कंफर्टेबल विथ वॉट एवर दे आर हैविंग, बट ओनली 1 or 2% ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से वो खुश नहीं हो पाते हैं. वो लोग थिंक करते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला. लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करेंगे तो
आपका वो जो 2% है वो भी खत्म हो जाएगा और आप 100% सेटिस्फाइड रहोगे। दूसरी बात है कि जब हम हमें जो मिला है उस पे हम हमारा आभार व्यक्त नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो आत्मा की शक्ति है वो भी कम होती जाती है, क्योंकि जो 98% जो हमें मिला हुआ है उसमें से वो धीरे धीरे कट ऑफ होता जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम हमेशा जो प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे करें। तो उसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव वाइब्रेशंस हम यूनिवर्स में भेजते हैं, ये हम अनजाने में करते हैं, हमें पता नहीं होता है, अनजाने में ये नेगेटिव वाइब्स यूनिवर्स को जाती है। इसी वजह से हमारा जो काम है, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो 2% में अटकी हुई है वो खत्म नहीं होती है, वो पूरी नहीं होती है। तो हमें हर पल जो हमें मिला है उसका हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, उसका हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। हमें डेली बेसिस पे, जैसे कि हम जो जिंदा है, हमारा पूरा जो बॉडी है वो पंच तत्व का बना हुआ है, तो हमें उन सभी को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि आज उनकी वजह से हम जिंदा है। जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, ये सभी ये सभी की वजह से हम एक बेटर लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो उन सभी का हमें तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए। हमें हमारा शुक्रिया मन और बॉडी, इन दोनों को सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा माइंड पीसफुल होगा और हमारा बॉडी अच्छा होगा तो हम हमारा पूरा दिन अच्छे से स्पेंड कर सकेंगे। फिर हमें थैंक यू करना चाहिए हमारे वर्क प्लेस को, जहाँ भी हम काम करते हैं, जैसे कि हाउसवाइफ है वो बाहर नहीं जाती है लेकिन वो घर में काम करते हैं, तो हम जितने भी हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको हमें थैंक यू करना चाहिए। अगर हम थैंक यू कहना स्टार्ट करेंगे तो हमारा खुद का वाइब्रेशन, बॉडी का वाइब्रेशन चेंज होगा और हमें सभी चीज़ों से एक्सेप्टेंस मिलेगा। थैंक यू मीन्स द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्योर लव जो हमें मिला है, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी लोग पूरे दिन में हमें मिलते हैं, जैसे कि हमारे घर में काम वाली बाई आती है, एक दिन नहीं आएगी तो सभी को प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसको थैंक यू करना चाहिए। सभी हमारे बच्चों को थैंक यू करना चाहिए, हमारे हस्बैंड आते हैं ऑफिस से, उन्हें भी हमें थैंक यू करना चाहिए कि आज आपका दिन, उनको पूछना भी चाहिए और उनको बताना भी चाहिए कि आज हमारा दिन, मैंने पूरे दिन ऐसे ग्रेटफुलनेस में बिताया और मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात कि जब हम थैंक यू कहते हैं तो हमें एक बहुत सुकून मिलता है। मोस्टली हम क्या करते हैं, नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हम थैंक यू तो बोलते हैं लेकिन हमारी विशेष पूरी नहीं होती है, कई कई विशेष पूरी हो जाती है, बहुत सारी जो विशेष है वो पूरी नहीं होती है। तो मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप थैंक यू बोलते हो लेकिन क्या आप पूरे दिन में किसी भी पर्सन के बारे में कुछ गलत सोचते हो, कुछ गलत उनके बारे में बोलते हो, किसी से आपका झगड़ा हुआ है, किसी के लिए आपके माइंड में कुछ जेलस फील हुआ है? अगर ये सब भी होगा तो भी आप थैंक यू बोलेंगे तो उनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो थैंक यू आपको बोलना चाहिए और उसके साथ साथ ये आपके जो माइंड है वो आपका माइंड भी आपको चेंज करना पड़ेगा। उसकी थैंक यू जो है, ग्रेटिट्यूड हम जब बोलते हैं सबको, तो उसका बहुत सारा इम्पैक्ट हमारे पूरे माइंड में पड़ता है और बॉडी पे पड़ता है। थैंक यू हमें बोलना चाहिए हमारे अच्छी हेल्थ के लिए कि हमारे अच्छी हेल्थ के लिए हमें इतना अच्छा हेल्थ मिला है, हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से कार्य कर रहे हैं, इसकी वजह से मैं पूरा दिन अच्छे से मेरे सभी काम कर रही हूँ, बच्चों का टिफिन बना रही हूँ, हस्बैंड का टिफिन तैयार कर रही हूँ, पूरे दिन अच्छे से मेरा काम
हो रहा है, मुझे और कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं हुआ है और एकदम स्मूथली मेरा दिन जा रहा है, तो एक अच्छी हेल्थ के लिए भी मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। जितने भी लोग मेरे संपर्क में आते हैं उन सबको मेरा मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। कई कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि मैं सबका शुक्रिया क्यों करूं, कोई लोग हमारे बारे में बुरा भी बोलते हैं, कोई हमारे पीठ पीछे भी बोलते हैं, कोई हमारे सामने भी बोलते हैं, लेकिन वो लोगों को तो मुझे सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक एक्सपीरियंस है। हम तो वही है, लोगों के नज़रिए अलग अलग होते हैं। किसी की नज़र में मैं बहुत अच्छी हूँ, किसी की नज़र में मैं ओके हूँ। वो बोलेंगे नहीं फाल्गुनी नहीं अच्छी है, वो बोलेंगे नहीं वो तो बहुत ही अच्छी है, मेरे साथ तो कभी कुछ ये नहीं हुआ, लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं सभी जो अच्छे अच्छे मेरे बारे में बोलते हैं उनको तो मैं मेरा ग्रेटिट्यूड मैं भेज रही हूँ, लेकिन जो मेरे बारे में अगर कभी किसी ने बुरा बोला है या बुरा सोचा है, तो उन सभी लोगों का, उन सभी परिस्थितियों का, उन सभी कंडीशंस का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ये सब परिस्थिति या फिर ये सब जो कंडीशंस या जो लोगों ने मेरे बारे में कुछ बोला उनकी वजह से आज मैं बहुत अच्छा सोच सकती हूँ। मतलब कि उन्होंने मुझे निग्लेक्ट किया तो मैंने उनको थैंक यू बोला, मेरा तो वाइब्रेशन उनको अच्छा मिला। आज मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगी, मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं और फैमिली मेंबर्स में भी हैं, तो पहले कुछ हुआ होगा, आई एम द राइट, लेकिन बोलते हैं ना कि जो आपके बारे में बुरा बोलता है शायद उसका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं होता है या फिर वो उसके मन की स्थिति है, एक ये भी हो सकता है। तो जब आप थैंक यू बोलना स्टार्ट करेंगे, जो आपके लिए अच्छा बोलते हैं या जो आपके लिए बुरा बोलते हैं उन सबको आप थैंक यू बोलना चाहोगे, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा वो लोग कब आपको सामने से आके बुलाएंगे, कब आपको मतलब अच्छे से ट्रीट करेंगे, ग्रीट करेंगे। मतलब मेरी लाइफ में तो ये सरप्राइज है, मैं बहुत टाइम से, एक साल से मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ मेरा कुछ अनबन हो गया था, आई एम द ऑन द राइट पाथ, तो मैंने एक दो बार समझाया फिर उसको छोड़ दिया और मैंने ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही मेरे एक रिलेटिव में एक फ्रेंड है, वो फैमिली फ्रेंडली है, उनके साथ भी ऐसा हुआ था, तो मैंने उनको ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दिया। आई एम मतलब मैं बिलीव नहीं करूँगी, वो खुद सामने से आए और सामने से आके मुझे बहुत अच्छे से मेरे से बात किया, मुझे मतलब सरप्राइज हुआ कि ये कैसे चेंज हो गया, ये कैसे जादू हो गया। लेकिन ग्रेटिट्यूड एक मिरेकल है, मैजिक है। तो मैं ये सबको बोलना चाहूँगी कि जो अच्छे हैं उनके लिए तो आप ग्रेटिट्यूड बोलते ही हो, लेकिन अगर आपको किसी ने कुछ बुरा बोला या आपने सुना कि इसने, तो उसको तो सबसे पहले आपको ब्लेसिंग्स भेजनी है, उनको तो आपको ग्रेटिट्यूड बहुत बहुत बार बोलना है कि चलो आपने इतना बोला उसकी वजह से आज मेरा जो मतलब मैं एक मेरा अहम कम हो जाता है। मैं सामने से अगर उनको खराब बोलूंगी या फिर झगड़ा करूंगी तो फिर वो मेरा अहंकार बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैं उनको क्या करती हूँ, ग्रेटिट्यूड मैं उनको देती हूँ तो मेरा जो अहंकार है वो कम हो जाएगा, तो मेरी आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी, तो मेरा जो पावर है, मेरा जो सोचने का तरीका है, सोचने का नजरिया है, वो टोटली चेंज हो जाएगा और एकदम लाइफ ब्लिसफुल हो जाएगी, बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगी। और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरा सोचने का तरीका बहुत बहुत चेंज हो गया है। मेरा एक मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगी कि हमने स्विफ्ट डिजायर कार ली थी, एकदम नई कार थी, और उसका एक साल में ही एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट मीन्स पार्किंग में पार्क किया था और दूसरी गाड़ी रात को आके उसको क्रश कर दिया, ऊपर पूरा बोनेट खराब कर दिया। तो पहले तो मेरे हार्ट में क्रैश हो गया कि ये क्या हो गया। तब मैं इतना मतलब मैच्योर नहीं थी या इतना सोच नहीं पा रही थी, लेकिन उसके बाद भी तब मैंने थोड़ा बुरा भी बोला कि ये नहीं होना चाहिए, लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन में जो नॉर्मल पीपल बोलते हैं। अभी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब अप हो गई हूँ, अपग्रेड हो गई हूँ,
तो अभी मैं ये सोचती हूँ, और उसके बाद भी एक साल में या दो तीन साल में कभी ना कभी कुछ टक्कर लगती है या फिर कुछ एक्सीडेंट होता है छोटा मोटा, हम लोगों को स्क्रैच भी नहीं होता है, हम अंदर बैठे हुए होते हैं तो भी हमें कुछ नहीं होता है। तो मैंने तब जाके ये जब मैंने बुक्स पढ़े सब सज्जन संगत किया या सभी मोटिवेशनल स्पीकर्स का मैंने जब यूट्यूब पे भी वीडियोस मैंने सुने, तो मैंने ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट किया। मैं मेरी कार को भी टच करके मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू कि आपकी वजह से हम लोग सेफ हैं, थैंक यू। मैं मेरे घर को, मेरी दीवार को भी मैं टच करके बोलती हूँ थैंक यू कि इतना ब्यूटीफुल घर मुझे दिया है। मतलब मेरी बॉडी को भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, मैं सभी को थैंक यू बोलती हूँ। मुझे बहुत ही, मैं अंदर से मुझे पता नहीं क्यों मुझे सबको थैंक यू कहने का बहुत मन होता है, और मेरे पास ये थैंक यू है तो मैं ऐसा सोचती हूँ आप सबके पास ये थैंक यू होना चाहिए। ये सब ये मैजिकल, इतना मैजिकल है, आप किसी को भी थैंक यू बोल सकते हो। और आप प्रैक्टिस कर, आप प्रैक्टिस कीजिए कि जैसे कि सुबह उठते ही आप लोग बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं उस यूनिवर्स को, उस परम शक्ति को, कि उसकी वजह से आज आपको एक नया दिन मिला है, आपकी फैमिली सेफ है। और दूसरा है वर्क प्लेस, जो मैंने अभी बोला, कभी भी वर्क प्लेस को या फिर अगर काम ज्यादा है तो वो वर्क प्लेस में आप मत बोलिए कि मुझे अच्छा नहीं लगता काम करने का, या फिर मुझे मज़ा नहीं आता है, या वहाँ पे तो इतने सारे लोग हैं ऐसा बोलते हैं, ऐसा परेशान करते हैं, मतलब मैं तो परेशान हो गया हूँ, ऐसा कभी भी मत सोचिए और कभी भी मत बोलिए। क्योंकि आप जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ से आप इनकम जनरेट होता है, वहाँ से मनी आती है, वहाँ से लक्ष्मी आती है, तो वो पैसों से आप लोग अनाज खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, आपके पूरे महीने का या पूरे पूरे ईयर का जो भी एक्सपेंस है, जितनी भी चीजें हैं वो आपके पास आती है। तो जितना आप बुरा बोलोगे तो वो भी उसमें नेगेटिविटी आएगी, फिर आप जो फूड खाओगे वो हेल्दी नहीं रह पाएगा, मतलब आप खाओगे तो उसको बॉडी पे उसका इम्पेक्ट अलग होगा। आप अच्छा फूड खाओगे फिर भी वाइब्रेशन उसमें गलत जाएगी। तो हमारे वर्क प्लेस जहाँ से भी हमारे हस्बैंड, अगर हम जॉब नहीं कर रहे हैं, हमारे हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं, तो पहले सबसे पहले उसका शुक्रिया कीजिए कि सबसे पहले उनका शुक्रिया कीजिए कि जैसे जो कंपनी है या फिर वो खुद की कंपनी है या फिर वो जॉब करते हैं, तो वो वर्क प्लेस का शुक्रिया, वो मालिक जो भी उनके ऑनर है उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें जिनकी वजह से हमारा पास्ट अच्छा रहा, अभी हमारा प्रेजेंस भी अच्छा है और हमारा फ्यूचर भी उनकी वजह से अच्छा होगा, उन सभी लोगों का शुक्रिया। उन सभी लोगों की वजह से आज हम इतने अच्छे सुखी है, समृद्ध है, हमारा हेल्थ भी बहुत अच्छा है, हमें हमारी जो भी इनकम है वो भी उसमें भी बरकत और बढ़ोतरी होती रहती है। तो जिनकी वजह से हमें ये सब मिला है, उन सभी लोगों के जीवन में सुख मिले, शांति मिले, समृद्धि मिले, उन्नति, प्रगति, अच्छा स्वास्थ्य, उनको बरकत मिले, मतलब एवरीथिंग जो हमें मिला है वो उनके लिए भी हमें ब्लेसिंग्स करनी चाहिए। आप ब्लेसिंग्स करना स्टार्ट कर देंगे तो फ्यूचर में आपको कंप्लेन नहीं होगी, मतलब वो आपका मल्टीप्लाई होके कंटिन्यू में आता ही रहेगा। जैसे कई लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने पहले भी बोला था कि प्रेजेंस में जैसे कि हमने तो अच्छे कर्म किए हैं इसीलिए हम तो सुख भोग रहे हैं, तो हमें थैंक यू कहने की क्या जरूरत है। तो वो आपने अच्छा कर्म किया है इसीलिए आपको अच्छा उसका फल मिला और आपको अभी आप अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आप अभी थैंक यू कहेंगे तो आपका फ्यूचर भी उतना ही अच्छा कंटिन्यू कर पाएंगे, और अगर कुछ हुआ भी तो भी आप अगले जन्म में आपको भी अच्छा सब कंटिन्यू कर पाएंगे, आप सुखी और समृद्ध रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। तो दूसरी चीज है कि शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें जड़ तत्व का। जड़ तत्व जैसे कि हम रात को सोते हैं, हमारे बेड पे सोते हैं तो वो बेड का शुक्रिया, हम एसी यूज करते हैं तो एसी का शुक्रिया, फ्रिज, टीवी, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है,
ये अभी मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ, जूम सेशन जूम यूज कर रही हूँ, इंटरनेट यूज कर रही हूँ, सभी का शुक्रिया। अगर ये सब काम नहीं कर पा रहे होते तो हम अभी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम हो सकता है कि सेशन कट हो या फिर किसी को दिक्कत हो। तो वो सभी चीज़ों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। ये सब आप करेंगे तो आप सोचोगे ये जड़ जड़ तत्व मतलब जो निर्जीव है उसको शुक्रिया करने से क्या मिलेगा या फिर क्या होगा। तो जैसे कि हम कभी बाहर जाते हैं घूमने या कभी ऐसी प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे हमें जो हम अभी फैसिलिटी में रह रहे हैं वैसा कुछ हमें नहीं मिले, तो अगर आपने शुक्रिया कहना स्टार्ट कर दिया है अभी से और इन फ्यूचर आप कहीं पे जाते हो वहाँ पे आपको आपकी कंफर्ट के हिसाब से नहीं भी कुछ मिलेगा तो भी आपको असुविधा नहीं होगी, मतलब आपका माइंड भी रिलैक्स ही रहेगा और आप वो जो सभी चीज़ें आपको तो कंफर्टेबल ही लगेगी। तो इसके लिए मैं वो सभी चीज़ों का भी थैंक यू कहना चाहूँगी। बस इतना ही है मैम, थैंक यू सो मच। और मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि सभी मास्टर्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपने अगर थैंक यू कहना नहीं स्टार्ट किया है तो एक लिस्ट बनाइए और थैंक यू लिखिए, लिखेंगे तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होके आपका काम हो जाएगा। और नहीं तो पहले स्टार्टिंग में सुबह से उठ के तुरंत थैंक यू कहिए, फिर रात को सोने के टाइम पे थैंक यू कह सकते हैं, और फिर पूरे दिन में मतलब ये इतना आप थैंक यू बोलेंगे कि आपके माइंड में उसका प्रिंट हो जाएगा और आपका जो नेचर है वही ऐसा हो जाएगा कि आप सभी को फिर उस आभार के ओके थैंक यू सो मच। मैं अभी मेरा सेशन यहाँ पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच शांति से सुनने के लिए। अरे अरे बेरी कितना अच्छा बता रहे थे यार, तुम पता है क्या कॉन्फिडेंस था फाल्गुनी। हम तो सबसे पहले यूनिवर्स का थैंक्स बोलेंगे जो इतनी प्यारी फ्रेंड हमको दिया। यस फाल्गुनी मिल गई। हां फाइल कितना प्यारा है इसका, बहुत अच्छा बोला। कॉन्फिडेंस देखिए लेवल चीजें फाल्गुनी बहन बहुत सरस बोल लिया। फाल्गुनी बहन बहुत सरस है तू, थैंक यू। हमें तुमने थैंक यू कही ये चाहिए। थैंक यू फाल्गुनी जी। वही उन्होंने बुक लिखा है मैजिक। थैंक यू को भी वो पीडीएफ। फाल्गुनी बहन थैंक यू। थैंक यू फुड़कन पड़ी बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले फाल्गुनी बहन। थैंक यू धन्यवाद कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू फाल्गुनी दीदी बहुत अच्छा बोले। थैंक यू सो मच फाल्गुनी जी। अब मैं कुछ बोलूं? बोलिए मैडम। मेरा हार्ट बीट अभी पंप कर रहा है, ऐसे ही थैंक यू नहीं बोला है ना सबने। नहीं थैंक यू फाल्गुनी, बहुत अच्छा टॉपिक उठाया। अब मुझे बोलने दो प्लीज। जो ग्रेटिट्यूड के बारे में ये बता रही थी, ईश्वर के वाइब्रेशन के बिल्कुल नजदीक वाइब्रेशन होती है ग्रेटिट्यूड की, जॉय लव उनके बाद ग्रेटिट्यूड आता है, तो मतलब बहुत नियर है हमारे गॉड के। तो अपने को रोज सुबह से लेके शाम तक के जब भी टाइम मिले अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते जाना है और थैंक यू बोलते जाना है। जितना बोलेंगे आप उतना ज्यादा आपको मिलेगा। तो जैसे इन्होंने बताया कि हमको अपने गैजेट्स को भी, अपने हर चीज को भी, मतलब नॉन लिविंग थिंग है, हमको लगता है कि ये कॉन्शियसनेस है ही नहीं इसमें, ये लैपटॉप है इसमें तो कॉन्शियसनेस नहीं है, पर इस दुनिया में कोई भी चीज बिना कॉन्शियसनेस के नहीं है। अगर 6 स्पिरिचुअल लॉज जानेंगे तो आप पहला ही है लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, हर चीज में कॉन्शियसनेस है, चाहे उसमें 0.01% हो या 0.2% हो।
तो हमको अपने जो भी चीजें यूज करते हैं उनको भी थैंक्स बोलना है। जो हमारे नियर एंड डियर हैं उनको तो हम सभी करते हैं, और जो इन्होंने बताया कि जो हमारे एनिमीज हैं या जो हमको हमको आईना दिखाते हैं या हमारे को हमारे लिए कुछ गलत बोलते हैं उनको भी ब्लेसिंग के रूप में थैंक्स गिविंग करना चाहिए। और सबसे अच्छा पॉइंट जो इन्होंने मेंशन किया कि जहां से हमारी इनकम आती है, जो वर्क प्लेस है, वो वाकई जहां से हम पैसे ला के उसी पैसों से हम खरीदते हैं अपनी रोजमर्रा की चीजें, तो वो वाइब्रेशन भी हमारी अच्छी होनी चाहिए कि ये हमारा जो वर्क प्लेस है वो अच्छा, उसको पीठ पीछे गलत नहीं बोलना चाहिए, उसको भी थैंक्स बोलना चाहिए। तो ये जो थैंक यू वाला है इसके ऊपर बहुत से सेशन ले चुकी हैं, माही ने भी बहुत प्यारा सेशन लिया था। मैं चाहूंगी कि जिनको ग्रेटिट्यूड के बारे में जानना है वो माही जी के सेशन की रिकॉर्डिंग निकाल के देखें, और यदि नहीं तो अभी फिर हमारा 11 जनवरी को चालू हो रहा है नया सेशन, भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू कंटिन्यूएशन में बोलते जाइए, बिल्कुल। कई लोगों ने थैंक यू। मुझे एक जानना है, ये पत्री जी किसने अपना लिखा है? आप वीडियो ऑन करके दिखाइए, मैं भी देखूं हमारे में पत्री जी कौन आया है, है ना? तो वीडियो तो ऑन करना पड़ेगा। कौन है ऐसे छुप के बताया करिए, है डेरिक? हेलो, यस, बोलिए वीडियो। और नहीं खोल सकते हैं तो प्लीज हमारे गुरु का नाम मत यूज करिए, डेयरिंग होनी चाहिए, है ना? रहस्य नहीं बना के रखिए अपनी लाइफ को। जी आ गई सामने, मतलब वो इला जी थी क्या? नहीं, किसने नाम रखा था ये? वो मैं कम से कम 4 बार उनको नोटिफिकेशन भेज चुकी हूँ, आस्क योर वीडियो। चलिए छोड़िए, किसी के पास नहीं होगी इतनी डेयरिंग की हम लोगों से नजरें मिला सके, तो ठीक है। वो प्रज्ञा जी, आपको क्यों लगा इला जी है? अरे वो पहले जिस तरफ पत्र जी लिखा था ना, वही एकदम इला जी ने खोल के देखा तो मुझे लगा इला जी तो नहीं होंगी ये कहीं। तो चलिए ठीक है, बाकी नाम मत यूज करिए पत्री सर का, अपना नाम पत्री सर मत रखिए, वहां तक लेवल में पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। एनीवे आज तीनों स्पीकरों ने बहुत अच्छा बोला, और सभी लोगों को थैंक्स बहुत बहुत। जब भी आपको कोई चैप्टर या जो भी टॉपिक पे आपको बोलना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लोगों को मैं 2-3 टिप्स दूंगी कि कुछ यूट्यूब्स देखिए, कुछ गूगल में सर्च करिए, फिर आप एक कंप्लीट नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं है कि किसी ने कम बोला, मैं एक गाइडेंस के लिए कर रही हूँ कि अगले हफ्ते के लिए जो भी आ रहा है थोड़ा सा गूगल में भी सर्च करिए, तो आपको और भी कई कई आर्टिकल्स या कुछ अच्छी टॉपिक्स मिल जाएंगे उससे रिलेटेड, तो आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं ताकि आप अपना टॉपिक को और अच्छे से कवर कर सके। हमारे यहाँ पे आप लोग को बोलने का यही ध्येय है कि आप अपना मेहनत करना सीखिए, कि यदि मुझे एक टॉपिक दिया गया है तो मैं उसके बारे में कितना ज्ञान अर्जित कर सकती हूँ, फिर उस ज्ञान को अच्छे से पिरो के मैं कैसे करूँ। और जिनको भी मास्टर बनना है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्वाध्याय। जो हमारे तो टीम के लोग सज्जन सांगत्य करके एकदम खुश है, रोज सुबह से लेके शाम तक के जूम अटेंड कर रहे हैं, पर बुक्स कोई भी नहीं पढ़ रहा है। तो मास्टर बनने के लिए आपका खुद का स्वाध्याय होना जरूरी है। पत्री सर ने कहा है अगर कोई बुक का आप ऑडियो सुनते हैं तब भी वो उतना मायने नहीं रखेगा जितना आपका खुद का बुक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब आप बुक के बुक को पढ़ते हैं तो आप उस ऑथर की एनर्जी को अपने में से फ्लो कराते हैं। तो आप बुक भी पढ़िए और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछिए। निधा मैम, सोनिया डोगरा जी ने बोला था जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो पीडीएफ भेज देंगी ग्रुप में बुक्स का। अच्छा, सोनिया जी है अभी? पहले तो थी वो, अभी भी है तो सही दिख, मतलब फोटो नहीं, मतलब फोटो तो आ ही रही है जी।
हाँ सोनिया जी कुछ पूछ रही है इला जी आपसे। सोनिया जी आपने कहा था ना जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि आप बुक्स का पीडीएफ भेज दोगे ग्रुप में। हाँ जी कौन से वाले ग्रुप का मैम, कौन से वाले उसका मैम? आपने ही बोला था कि मेरे पास जो जो है मैं सबके पीडीएफ, क्योंकि मैं ऑडियो सुनती रहती हूँ आपने।